दोस्तों, तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं रिलेशंस के बारे में। कैसे बात करें, रिलेशंस कैसे बताएं। कई बार हमें रिलेटिव्स बताने पड़ते हैं, रिलेशंस बताने पड़ते हैं। देखा जाए तो रिलेशंस बताने के कई अलग अलग तरीके हैं। देखा जाए तो हम वो सभी तरीके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ही। तो चलिए देखते हैं ये वाला सेंटेंस, अजय इज़ माई एल्डर ब्रदर, जिसका मतलब है अजय मेरा बड़ा भाई है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अजय के साथ मेरा संबंध है, मतलब रिलेशन है, और रिलेशन है कि वो मेरे बड़े भाई है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं सेंटेंस के जरिए, हम बता रहे हैं रिलेशंस, संबंध। तो इस तरह से हम रिलेशंस बता सकते हैं किसी के भी साथ। तो जैसे कि देखिए, ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा नेगेटिव या सवाल या क्वेश्चन ऐसे अलग अलग तरीक़ों से बात करते हैं। तो हम वो सभी जो तरीके हैं, 6 तरीके, हम उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है अजय इज माई एल्डर ब्रदर, दूसरा अजय इज इन माई एल्डर ब्रदर, तीसरा इज अजय माई एल्डर ब्रदर, चौथा इज एन अजय माई एल्डर ब्रदर, पांचवा वाई इज अजय माई एल्डर ब्रदर, और छठवा वाई इज एंट अजय माई एल्डर ब्रदर। अजय मेरा बड़ा भाई है, अजय मेरा बड़ा भाई नहीं है क्या? अजय मेरा बड़ा भाई है क्या? अजय मेरा बड़ा भाई नहीं है? अजय मेरा बड़ा भाई क्यों है? अजय मेरा बड़ा भाई क्यों नहीं है? तो इस तरह से 6 अलग अलग तरीके जो हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों के साथ बात करते हैं। तो अब देखिए अलग एग्जाम्पल्स कुछ, जैसे कि आई एम हिज एम्बिशियस ब्रदर, ऑल दीज यंगस्टर्स आर माई स्टूडेंट्स, द वुमन इन पिंक ड्रेस वॉज हिज फर्स्ट वाइफ। तो वैसे ही वी वर द कस्टमर्स ऑफ रिलायंस पावर। तो ये जो अलग अलग सेंटेंसेस है, ये सेंटेंसेस एक्सप्रेस कर रहे हैं रिलेशंस। तो इसी तरीके से हम भी रिलेशंस एक्सप्रेस करते हैं। आप ध्यान से देखिए इसका जो ढांचा है, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति की बात हम कर रहे हैं उसका नाम है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि आई एम जा रहा है, इसमें वॉज वर पास के लिए, और उसके बाद वो रिलेशन जो हम बताना चाहते हैं। आप जब आप सेंटेंस बनाएंगे ऐसे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें से हर सेंटेंस को 6 अलग अलग भागों में कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि अजय इज, अजय इज एंड, इज अजय इज एंड, अजय वाई इज, अजय वाई इज एंड, अजय, ऐसे ही बिल्कुल बाकी सभी सेंटेंसेस का। अब ये वाले सेंटेंस देखिए जो एक्सप्रेस करते हैं रिलेशंस, ही मे बी रोहिणी सभी, ही मे नॉट बी रोहिणी सभी, मे ही बी रोहिणी सभी, मे ही नॉट बी रोहिणी सभी, वाई मे ही बी रोहिणी सभी, वाई मे ही नॉट बी रोहिणी सभी। तो यहाँ पे भी ये जो सेंटेंस है ही मे बी रोहिणी सभी, यहाँ पे भी हम फिर से एक बार रिलेशन ही बता रहे हैं कि वो रोहिणी का हस्बैंड है, पति है। तो यहाँ पे रोहिणी का उसके साथ संबंध बताया जा रहा है कि वो उसका पति है, रोहिणी का पति है। तो इस तरह से हम एक बार फिर से रिलेशंस बता सकते हैं। यहाँ पे हमने मॉडल का इस्तेमाल किया, तरीका वही है इसके पहले वाले फ्रेम का, लेकिन सिर्फ मॉडल्स के साथ है। जिसके 6 सेंटेंस बनाते वक्त मे को हमने फुल फॉर्म में लिया है, मे नॉट, क्योंकि मे को शॉर्ट फॉर्म में हम इस्तेमाल नहीं करते। खैर, अब अलग अलग एग्जाम्पल्स देखिए अलग मॉडल्स के साथ, जैसे कि द मैन माइट बी हिज अंकल, शी मस्ट बी हर मदर इन लॉ, दिस पीपल ऑट टू बी हिज इन लॉज, दे कैन बी आर रिलेटिव्स, वी कुड बी फ्रेंड्स, कैटरीना विल बी आर गर्लफ्रेंड, दिस वुड बी हर सेकेंड सन, करीना शुड बी हिज सिस्टर। तो इस तरीके से हम अलग अलग ढंग से ये सेंटेंस बना सकते हैं, अगर आप मीनिंग चाहें तो कुछ ऐसा। द मैन माइट बी हिज अंकल, वो इंसान शायद उनके अंकल से होंगे, शी मस्ट बी हर मदर इन लॉ, वो उसकी सासू माँ ज़रूर होगी, या फिर वो ज़रूर उसकी सासू माँ होगी, दिस पीपल ऑट टू बी हिज इन लॉज, ये लोग ज़रूर उसके ससुराल के होंगे, दे कैन बी आर रिलेटिव, वो हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, वी कुड बी फ्रेंड्स, हम दोस्त हो सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं, कटरीना विल बी योर गर्लफ्रेंड, कटरीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी या होगी रहेगी, दिस वुड बी हर सेकेंड सन, ये उसका सेकेंड सन होगा, करीना शुड बी हिज सिस्टर, करीना उसकी दोस्त होनी चाहिए। तो अब देखिए ये अलग तरीका है, अगर हम रिलेशन बताना चाहते हैं तो ये एक और तरीका है रिलेशन बताने का। आई हैव 2 सिबलिंग्स, मतलब मुझे 2 भाई है, सॉरी 2 जिसका भाई बहन है, वो भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो है एक और तरीके से बोला जा सकता है, हम इसी सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं, आई डू हैव 2 सिबलिंग्स। इसको नेगेटिव में बोलना रहा तो आई हैव नॉट 2 सिबलिंग्स, या फिर आई हैवंट 2 सिबलिंग्स, या फिर उसको और तरीके से बोल सकते हैं दूसरे, वो है आई डोंट हैव 2 सिबलिंग्स, और ऐसे ही आई हैव आई 2 सिबलिंग्स, डू आई हैव 2 सिबलिंग्स, हैव आई नॉट 2 सिबलिंग्स, डोंट आई हैव 2 सिबलिंग्स, वाई हैव आई 2 सिबलिंग्स, वाई डोंट, वाई डू आई हैव 2 सिबलिंग्स, और वाई हैव आई नॉट 2 सिबलिंग्स, मतलब वाई हैवंट आई 2 सिबलिंग्स, मतलब वाई डोंट हैव 2 सिबलिंग्स। देखा जाए तो ये जो डू वाला जो तरीका है ये आसान सा तरीका है, यही तरीका है जो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं। खैर, अभी ऐसे ही अलग अलग सेंटेंसेस आपको बना के देखने हैं और हर एक के 6 भी बनाने हैं। देखिए सेंटेंस, विनोद हैज़, मतलब विनोद डज हैव मेनी फ्रेंड्स, स्नेहा हैड, मतलब स्नेहा डिड हैव अ बॉयफ्रेंड, वी हैव अ ग्रेट ग्रैंडपा, सी हैज ग्रेट अंकल, एवरीवन हैज़ पेरेंट्स। तो ऐसे ही और एग्जांपल्स देखिए मॉडल्स के साथ, अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनेंगे, एवरीवन विल हैव अंकल्स, हर एक को अंकल होंगे,
एवरीवन विल नॉट हैव अंकल, मतलब एवरीवन वांट हैव अंकल्स, विल एवरीवन हैव अंकल्स, वांट सॉरी विल एवरीवन नॉट हैव अंकल्स, मतलब वांट एवरीवन हैव अंकल्स, व्हाई विल एवरीवन हैव अंकल्स, और व्हाई विल एवरीवन नॉट हैव अंकल्स, मतलब व्हाई वांट एवरीवन हैव अंकल्स। तो इस तरीके से हम छः बनाते हैं इसके भी, और इसके इसी तरीके मतलब जिसमें मॉडल हम इस्तेमाल करें इसके अलग अलग सेंटेंसेस देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स शुड हैव सिस्टर्स, स्टूडेंट्स की सिस्टर रहेगी या होगी, और टीचर शुड हैव अ वाइफ, अब हमारे जो टीचर है उनकी बीबी होनी चाहिए या फिर उनको एक बीबी होनी चाहिए। दिस गर्ल्स हैव कैन हैव मैनी ब्रदर्स, इन लड़कियों को कई ब्रदर्स हो सकते हैं, कई भाई हो सकते हैं। आंटी कुड हैव सम सर्वेंट्स, आंटी के पास कुछ नौकर हो सकते हैं या फिर नौकर रह सकते हैं। द मैनेजर मे हैव टू चिल्ड्रन, मैनेजर के दो बच्चे हो सकते हैं, शायद दो बच्चे होंगे। ही माइट हैव असिस्टेंट लॉ, उसकी एक साली होंगी या फिर शायद उसकी साली होंगी। ही मस्ट हैव मैनी कस्टमर्स, उनके पास कई कस्टमर्स होने ही चाहिए। दे ऑट टू हैव सम रिलेटिव्स, उनके कुछ रिलेटिव्स होने ही चाहिए। तो इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं, और आपको भी बना के देखने हैं, और ऐसे ही सेंटेंस बना के उसके हर एक अच्छे बना के देखेंगे, और उसके बाद जब भी प्रॉब्लम आएगा आपको तो आपको वो सवाल प्रॉब्लम का जो है वो आपको हमारे जेड मास्टर इंग्लिश ग्रुप पर डालना है या फिर व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप पर डालना है। अगर उसके भाग आप नहीं हैं तो आप उसके भाग बन जाइए, और उसके बाद फिर आप ये सवाल डालिए, आपको जवाब मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाइए, उसमें मेरा नंबर डाल दीजिए 9970454728, और उसके बाद आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे, वो भी स्टार्ट से, और ये पूरी तरह से फ्री है। थैंक यू।